अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले व्हाट्सएप पे एडवाइस किया है कि आप लोगों ने जो एफएससी के रेलेवेंट चैप्टर्स हैं उनको कंसीडर करना है और डेरिवेटिव और इंटेग्रल्स वाले जो आपके चैप्टर्स हैं उनको थॉरली रिव्यू करना है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके साथ आपका वास्ता रहेगा बहुत सारी जगहों पे, और ये बहुत ही अप्लाइड नेचर के फंक्शंस हैं। और जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे आपको इन फंक्शंस की यूजफुलनेस और ये अप्लाइड जो एप्लीकेशंस में ये कितने सिग्निफिकेंट हैं ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जब ये जो आपकी टेलीफोन की कॉल जब आप करते हैं और आपकी आवाज आती है और फिर आपकी आवाज जो है वो वेव्स में कन्वर्ट होती है, तो आपको ये इमेजिन करना है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि जो आप बोल रहे हैं वो वेव्स में किस तरह से चेंज हो रहा है। और अगर आप साइन को साइन का ग्राफ देखें तो वो भी वेव्स की तरह का ही है। फिर जो हम बोल रहे हैं वो किस तरह से इस सारी शेप में कन्वर्ट होता है, ये इटसेल्फ एक लंबा चौड़ा साइंटिफिक फिनोमेना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा और आप उस तरह की फील्ड में जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये साइन को साइन ये वाली ये सारी स्टोरी मिलेगी। एक आप टर्म पढ़ेंगे फोरियर सीरीज, उसमें ये चीजें आप ज्यादा अच्छे से देखेंगे। लेकिन उससे पहले पहले आपको कुछ रेलेवेंट टर्म्स जिनमें आपने फंक्शन को किस तरह से फंक्शन की जो शेप है वो चेंज करनी है। एक चीज जो आप अब तक करते रहे हैं, आप पुट किया करते हैं चीजों को, आप फॉर्मूला डेवलप करते हैं। फॉर्मूला डेवलप करने के बाद आप एक और चीज जो करते हैं वो जो चीजें उस फॉर्मूले में फिट नहीं होती उस फॉर्मूले में फिट करने के लिए आप पुट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं एक स्टेज के बाद ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कि आपका जो प्रॉब्लम है वो उस जगह सॉल्व नहीं हो रहा जहां पे आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं आप उसकी शेप चेंज करके उसको एक ऐसी शेप में ले जाते हैं जहां पे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो। और जब जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, और उसको सॉल्व करने के बाद आप वापस उसकी इनवर्स सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। आप मतलब आप दोबारा वही वाली वो टर्म पुट कर दोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आपने किस तरह से सोल्यूशन दिया है। और मैथ्स के कोर्स में आपको मेजोरिटी जगहों पे यही सारा कुछ कराया जाता है, आपकी टर्मिनोलॉजी डेवलप की जाती है, और वो जो टर्मिनोलॉजी है वो फिर आपको हेल्प करती है कि किस तरह से आप प्रॉब्लम की जो डोमेन है उनको चेंज कर देते हैं और फिर आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम ये जो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस सेक्शन में आपके लिए मैं अगर आपको फॉर्मूले दोबारा बताना शुरू कर दूं तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। मैं अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू कर दूं तो उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें साथ ही साथ जो आपके फॉर्मूले और क्वेश्चन है वो भी करने हैं, लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि जो डेरिवेटिव्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये किस तरह से सिग्निफिकेंट है अगर हम मैथमेटिक्स को अप्लाई करना चाहें तो। अच्छा ये देखिए जरा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, आप साइन एक्स के ग्राफ से फेमिलियर हैं। जीरो पे आपको आंसर वैल्यू देता है 0, पाई बाई 2 पे आंसर देता है 1, और अगर आप गौर करें तो 1 से ऊपर कहीं कोई आंसर नहीं मिल रहा आपको। और फिर जब आप पाई पे जाते हैं तो आपको आंसर मिलता है 0, फिर -1, फिर 2 पाई पे जाकर दोबारा 0। तो अगर आप गौर करो तो जो जो वैल्यू एक्स पे है एक्स प्लस 2 पाई पे भी आपको साइन एक्स की सेम वैल्यू मिलेगी। तो हम कहा करते हैं कि जो इसका पीरियड है That is 2 pi। अब जरा गौर करो, ये वाला फंक्शन अगर हो, मैं इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना चाहूं तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हम जो f डैश है उसका ग्राफ कैसा होगा? f डैश ऑफ x होगा वो हम cos x बोलते हैं, sin x के डेरिवेटिव cos x। और ये जरा गौर करो कि जहां पे पहले आपका आंसर था 0, ये जो रेट ऑफ चेंज वाली लाइन है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना ऑलमोस्ट मैरून टाइप की, ये आपको रेट ऑफ चेंज बता रही है। तो आपका जो रेट ऑफ चेंज है ना यहाँ पे, ये 0 के आगे पीछे, ये ऑलमोस्ट 1 का है, वो जो 1045। तो ये 0 पे चेक करो, 0 पे जाके आपके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आती चली जाती है। जैसे जैसे आप 0 से पाई बाई 2 की तरफ जाते हैं तो आपका जो स्लोप है वो घटता चला जाता है। जब घटता चला जाता है तो ये आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स जो कि एक्चुअली कॉस एक्स है, इसकी वैल्यू 0 की तरफ आना शुरू कर देती है। आप जब पाई बाई 2 पे पहुंचते हैं तो आपकी ये जो स्लोप है ये 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी वो जो एफ डैश ऑफ 0 जो कि 0 पे, जो एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 वो आप गौर कीजिए तो ये 0 पे आ गई। फिर आप जब आगे गए पाई पे तो आप एक बार फिर नोट कीजिए तो आपका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स है। जो डाउनवर्ड्स है तो ये वो 1035 वाला सिनेरियो है।
तो ये आप चेक कीजिए, ये आपको माइनस वन मिल रहा है। फिर आप जब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके आपका फिर जो स्लोप है वो देर इज जीरो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एफ डैश ऑफ ये हो जाएगा जी 3π/2, तो उस पे फिर आपको आंसर जीरो मिल रहा है। तो आप नोट ये करें तो साइन और कोसाइन डेरिवेटिव के जरिए से भी रिलेटेड है, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो ये उसने यही स्टोरी आपको समझाने की कोशिश की, और ये इसी लेक्चर के एंड तक मैंने आपको वो एक पोजीशन वाली प्रॉब्लम दिखानी है, वो भी उसमें भी आप नोट करेंगे यही सारा कुछ होता है। ये जो डिटेल उसने बताई है यहाँ पे कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स साइन एक्स हो तो एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स होगा, उसका उसने प्रूफ आपको कंस्ट्रक्ट करके दिया, और इसको ये जो आपका प्रूफ है ये बाई डिफिनेशन, तो ये चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं तो मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। ये जो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड लिमिट एच अप्रोचेस जीरो कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्योंकि एच अप्रोचेस जीरो वाली स्टोरी है, इसमें तो एच आता ही नहीं है, तो इसलिए ये जो साइन है ये कॉन्स्टेंट की तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये लेकिन कंप्यूटेशन ये सारी आप एफ एस सी लेवल पे ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसकी डिटेल्स में आप नहीं जाऊंगा। जो लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये चीजें भी इसका जो प्रूफ है वो भी एफ एस सी लेवल पे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो रिस्पॉन्ड करूंगा। इसने यहाँ पे भी बहुत अच्छा वैसे एक्सप्लेन किया हुआ, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन दी हुई है, लेकिन मैं इस पे वक्त नहीं लगाऊंगा, और आप इसको जो क्योंकि पहले कर चुके हैं तो मैं इस पे इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके वी मूव ऑन एंड, और ये आप देख लीजिए जी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, वो जो स्टार्ट हुई थी स्टोरी वो यहाँ पे उसने सारे वो एक्चुअली ये उसकी ये सारी एक्सप्लेनेशन में चला गया। इसने जो जो चीजें आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम प्रूफ्स पहले दे लेते हैं और फिर उन प्रूफ्स को यूज करते हैं, इसने प्रूफ्स बीच में दिए हैं जिसकी वजह से इसकी जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो लेंथी हो गई। एग्जाम्पल वन पे आइए, आपको वो प्रोडक्ट रूल और सारी चीजें आपको पहले से आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, एंड दैट आपने वो प्रोडक्ट रूल यूज किया और ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटेशन है ये यहीं पे आ रही है। टेन का डेरिवेटिव है वो भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यू ऑलरेडी नो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो छह के छह फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऑलरेडी एफएससी में आपको पढ़ा दिया गया है, और ये जो डेरिवेटिव रूल्स हैं ये सारे भी आपने वहां से किए हुए हैं, तो जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चीजें मुझे नए सिरे से कराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन एक्स, एंड वट इज इंटरेस्टिंग फॉर वट वैल्यूज ऑफ एक्स द ग्राफ ऑफ एफ हैज have horizontal tangent, इन values के लिए जो आपका f है वो horizontal tangent रखता है। अब जरा graph note करो, ये वाली जो line है ना आपकी, ये वाली जो colorful line है, ये आपका tangent line है, मैरून, ये जो मैरून type color है आपका, ये भी देखो तो ये tangent lines, ये जरा गौर करो आपका ग्राफ जो है वो कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, तो उन जिन जिन पॉइंट्स पे ये डिफाइंड नहीं है वहां वहां पे गैप आया है, तो ये आपने चेक करते जाना कि किन पॉइंट्स पे वो गैप। सवाल ये है कि x की किन वैल्यूज के लिए ये जो f है उसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, अब जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो डेरिवेटिव का, वो डेरिवेटिव डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, तो हमने यहाँ पे रूटीन में क्या किया जी, हमने ये डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिया, सो दिस f डैश ऑफ x, इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई किया और ये आपके पास जो आंसर आ गया, दिस इज सीकेंट x टाइम्स 10x माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस 1 प्लस 10x स्क्वायर। अच्छा गौर करो, ये जो सीकेंट एक्स होता है ना, ये आपके पास ये जो सीकेंट एक्स है आपका, दिस इज नेवर जीरो, ये टर्म कभी आपके जीरो नहीं होनी, और जो ये वाली आपकी इनइक्वालिटीज है इनको आपने सिंप्लीफाई कर लिया है, एंड व्हाट वी हैव इज वी बेसिकली लुकिंग फॉर दोज वैल्यूज व्हेन tan ऑफ x इज एक्चुअली 1, व्हेन दिस tan ऑफ x इज एक्चुअली 1, ये ध्यान में रखो मुझे जीरो चाहिए, जीरो चाहिए तो ये ऊपर वाले पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, नीचे वाले पार्ट को मैं जीरो नहीं बना रहा, नीचे वाला पार्ट व्हाटएवर इट इज, ये इसमें तो हमने जीरो की पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर दी हुई, तो ये जो ऊपर वाला आपका पार्ट है यहाँ पे जीरो आ जाए यार, यहाँ पे या यहाँ पे जीरो आ जाए तो ये ओवरऑल जीरो आ जाएगी, और एन जीरो डिवाइडेड बाय एनी डिवाइडेड बाय सम नंबर डिफरेंट फ्रॉम जीरो विल गिव यू जीरो, तो आपके पास ये सीकेंट एक्स का जीरो होना या टेन एक्स माइनस वन का जीरो होना ये इंश्योर करेगा कि एफ डैश ऑफ एक्स आपका जीरो है। सीकेंट एक्स जीरो हो नहीं सकता, सो वी आर लेफ्ट विद द पॉसिबिलिटी दैट टेन एफ एक्स इज वन,
tan of x minus 1 is 0, तो इसका मतलब tan of x is equal to 1, और ये कब होगा? जब आपका x जो है, that is n pi plus pi by 4, and this n is a positive integer. मतलब ये कि इन पॉइंट्स पे अगर आपको याद होगा तो tan pi by 4 is 1. इसका मतलब ये कि tan pi by 4 plus n pi with this n is a positive, is an integer. यानी कि pi हो जाए, या 2 pi हो जाए, या 3 pi हो जाए, या and so on. तो ये जो n के ये वाले जितने भी आपकी values हैं x की, इन सारी values पे आपका जो derivative है वो 0 होता है, and that means that slope of the tangent line is 0. That means the line is parallel to x-axis. जो trigonometric functions हैं, मैंने जैसे आपसे कहा कि ये applications के हिसाब से बहुत ही significant है. Trigonometric functions are often used in modeling real world phenomena. In particular, vibrations, waves, elastic motion, and other quantities that vary in periodic manner can be described using trigonometric functions. अच्छा, जहाँ जहाँ पे ना आपके पास ये इस तरह से wavelength वाला phenomena बनता है, वहां वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आएंगे. ये जरा एग्जांपल नोट करो, अगर आपका वर्टिकल स्प्रिंग टंगा हुआ हो यू, और आप इसको थोड़ा सा नीचे पुल करके छोड़ दो, पुल करके छोड़ोगे तो ये यू यू वाइब्रेट करना शुरू कर देगा. अब जब ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो हमने देखना है कि इसकी वेलोसिटी, ये जो आपका मूविंग स्प्रिंग है और ये वाली जो आपकी, ये इसके साथ आपने कुछ मास अटैच किया हुआ है, तो इसकी जो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह से बिहेव करते हैं. जो हमें दिया गया उसमें जो पोजीशन है ना एट एनी गिवन टाइम टी, वो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है दैट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 4 cos t. आपको करना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी एंड यूज देम टू एनालाइज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज करना है. अब जो ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज करना है तो हमने इस पोजीशन फंक्शन को यूज करके करना है. अब गौर करो तो s इज इक्वल टू 4 cos t, जब मैं इसकी वेलोसिटी स्टडी करना लगूंगा तो टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज माइनस 4 sin t, और जब एक्सेलरेशन लेंगे तो माइनस 4 sin t, तब फिर डेरिवेटिव लेंगे दैट इज माइनस 4 cos t. और फिर आपने ये देखना शुरू करना है कि ये रेपिटेशन कैसे होगी. ये जरा गौर करो, ये आपका s वाला फंक्शन है, ये आपका s वाला फंक्शन. अब आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से चल रहा है. जब आप इसकी वेलोसिटी लेते हैं तो वेलोसिटी के लिए गौर करो तो ये माइनस 4 साइन टी है. माइनस 4 साइन टी का इसका मतलब टी अगर जीरो होगा तो ग्राफ अब आपका वेलोसिटी वाला ग्राफ ही होगा, ऑलमोस्ट स्काई ब्लू कलर. ये ग्राफ है आपका जी जो वेलोसिटी के लिए. और अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन में माइनस 4 cos t, मतलब टी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ए की वैल्यू माइनस 4, तो ये ग्राफ आपका बनेगा ग्रीनिश कलर का. और इसने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया हुआ. ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन s इक्वल्स टू 4 मीटर्स. अब अगर आपका लोएस्ट पोजीशन कौन सी होगी, अब आपकी लोएस्ट पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन, ये दो चीजें. अब अगर t की वैल्यू 0 है तो दिस cos t विल बिकम 0 एंड दैट मींस s इज इक्वल टू 4 समवेयर समवेयर देयर. The object oscillates from the lowest point to the highest point, which is minus 4. जब ऊपर जाएंगे तो minus 4 होगा. The period of oscillation is 2 pi, the period of cos t. ये जो function बीच में आपने position में involve किया. The speed is, अब speed की जो magnitude है, that is 4 modulus value of sin t, which is greatest when sin t is 1. जब sin t 1 होगा तो sin t 1 कब होगा, जब t की वैल्यू 0, t की वैल्यू होगी जी पाई बाय 2. सो दैट मींस व्हेन cos इज 0. सो द ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टेस्ट एज इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन s इक्वल टू 0. सो इट्स स्पीड इज 0 व्हेन sin t इज 0, दैट इज एट हाईज एंड लो पॉइंट्स. एंड सिमिलरली व्हेन वी स्टडी दिस एक्सेलरेशन, दिस इज a इज इक्वल टू माइनस 4 cos t एंड दिस इज 0 व्हेन s इज 0. And it has greatest magnitude at highest high and low points. So the graphs are, see the graphs in figure 6. इस graph में जो उसने explain किया हुआ है वो हम सारी वही बातें कर रहे हैं. अच्छा, ये जो trigonometric functions होते हैं इनमें अगर हम किसी भी function को trigonometric function में convert कर ले तो उसका advantage क्या है?
जैसे आप गौर करें, अगर कॉस का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन, सेकंड डेरिवेटिव लें तो माइनस कॉस, थर्ड डेरिवेटिव लें तो साइन एक्स, फोर्थ डेरिवेटिव लें तो वापस ओरिजिनल पोजिशन पे, फिफ्थ पे लें तो माइनस साइन एक्स। अब जरा गौर करो तो जीरोथ जीरो अगर मैंने मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं लिया हुआ, फिर चौथा डेरिवेटिव, फिर आठवां डेरिवेटिव, फिर बारहवां डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो जो भी फोर के मल्टीपल्स हैं उन सब पे आपको कॉस एक्स ही आंसर मिलेगा। तो उसने अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए 27वां डेरिवेटिव कंप्यूट करो, तो गौर करो 24th डेरिवेटिव पे कॉस एक्स हो जाता है, 25th पे माइनस साइन, 26th पे माइनस कॉस और 27th पे फिर प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। तो 27th आपको डेरिवेटिव मालूम करना था तो साइन एक्स मिल गया आपको। ये एक और डेरिवेटिव की एग्जांपल है और ये इस तरह के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी एफएससी लेवल पे कर चुके हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई फोर एक्स, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये जो साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई फोर एक्स है, इसमें हम अगर यूं कर लें कि ये सेवन से मल्टीप्लाई कर दें और सेवन से डिवाइड कर दें, तो ये साइन सेवन एक्स डिवाइडेड बाई सेवन एक्स आ गया। तो जो लिमिट की हम अब यहाँ पे हम ना लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, ये इस सेवन एक्स की बजाय मैं अगर थीटा लिख लूँ, यहाँ पे भी थीटा, ऊपर भी थीटा और ये नीचे डिनोमिनेटर में भी थीटा है। तो वी रिप्लेस दिस थीटा इक्वल्स टू 7x, देन दिस थीटा विल बिकम 0 ओनली व्हेन x बिकम्स 0, सो दैट मींस थीटा अप्रोचेस 0 एज x अप्रोचेस 0। सो बाय इक्वेशन 2, वो जो इक्वेशन 2 है उसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा ओवर थीटा। तो ये अगर लिमिट अप्लाई करना है x के दोनों साइडों पे, दिस इज 7 अप्रोचेस 7/4, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 7x डिवाइडेड बाय 7x, और जब x को ये जो 7x है उसको थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो दिस sin थीटा बाय थीटा एंड व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 वी हैव द आंसर 1। सो ये जी आपके पास, फिर इसका मतलब ये कि जब आपने इसकी लिमिट कंप्यूट करनी है यू विल हैव आंसर 7/4। एंड इफ वी कैलकुलेट द नेक्स्ट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 x cot x, एंड इन दैट क्वेश्चन इफ यू लुक क्लोजली cot x इज एक्चुअली cos x डिवाइडेड बाय sin x, और फिर अगर आप cos x की लिमिट अलहदा कर दो और sin x डिवाइड बाय x की लिमिट अलहदा कर दो, दिस cos 0 विल बिकम 1 एंड लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x बाय x, ये हम ये यहां से भी 1 मिल जाएगा। सो दैट मींस दिस इज 1/1 फिनोमेना। जो एक्सरसाइज है इसमें आपने रेलिवेंट पार्ट जितने भी हैं, जिस तरह के एफएससी में है या जिस तरह के यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम्स है, आपने उनको देख लेना है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है जिस तरह हमने किया, सिर्फ आपने उस तरह से करने हैं, स्टेटमेंट्स वाले 100% क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। ये जो लिमिट वाला पार्ट है 39-50, ये आपको करना है, इस तरह का हम कर चुके हैं। अगर आप 51-52 भी आपको करना है, आपको अंदाजा लगाना है कि किन वैल्यूज पे आपका फंक्शन रिपीट होता है। और अगले लेक्चर में जो डेरिवेटिव, आप चेन रूल भी आप एफएससी लेवल पे कर चुके हुए, तो अगले लेक्चर में आप तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस आज यहीं पर रुक रहा हूँ। खुदा हाफिज़।